करने का जिम्मा उठाया वाजिद भाई ने, कैप्टन फ्रॉम द फ्रंट लीडिंग। वाजिद भाई की पहली बॉल संजीव के लिए। ओपनर्स ने मगर अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बखूबी एक। और ये बहुत ही तेज दूसरा सिंगल निकालते हुए अपील है यहाँ पर रन आउट की। जी हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार अपील थी लेकिन अंपायर ने उसका कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। दो रन और बने इस बीच में, 41 एक विकेट के नुकसान पर। 41 जी हाँ, ये 41 रन हुए हैं एक विकेट के नुकसान पर। इस बीच थोड़ी सी स्लाइजिंग बिटवीन संजीव एंड हिमांशु, लेकिन चलता है, मैच है, गेम है, मजा दोनों साइड से ले रहे हैं। हल्का फुल्का रोमांच होना जरूरी है मैच में, मैच के बीच में। वाजिद भाई की अगली बॉल संजीव के लिए। वापस इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, मगर इस बार उतना बेहतर कनेक्ट नहीं। कोशिश की थी एक और रन लेने की, जैसा कि मैंने कहा संजीव तैयार रहते हैं हमेशा दौड़ने के लिए। वाइट बॉल का इशारा, अंपायर ने अपना डिसीजन वापस लिया और वो वाइट बॉल नहीं है। उन्होंने अपना जी हाँ प्लीज सबसे रिक्वेस्ट एक बार फिर से बाहर से प्लीज इनको अंपायर को। जी हाँ बिल्कुल बहुत सही, ठीक है वाजिद साहब आपका सजेशन लिया गया। स्कोर है 42 रन्स एट द लॉस ऑफ वन विकेट। बहुत ही शानदार बॉलिंग, बहुत ही शानदार बॉलिंग, मगर वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। जी हाँ एक रन दिया, 43 रन्स एट द लॉस ऑफ वन विकेट। फिर से स्वाइप करके एक रन लेने में कामयाब दोनों फील्डर्स बैट्समैन। संजीवन स्ट्राइक, फिर से एक वाइट बॉल का इशारा, काफी एक्सट्रा। स्कोर कार्ड की तरफ नजर डाले तो डॉट गेंद यहां पर बहुत कम हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने, डॉट गेंदों का और अकाल सा पड़ गया यहां पे। 46 रन्स यहां पर, 46 रन्स एक विकेट के नुकसान पर। 46 रन्स, 3.5 लास्ट बॉल थी ये, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप, वापस से दौड़ना पड़ा हृदय को। इस हिसाब से स्ट्राइक रहेगी संजीव के हाथ में और बॉलिंग आखिरी ओवर 46 एक विकेट के नुकसान पर। लास्ट ओवर, आखिरी ओवर डालेंगे रुपेश महेश्वरी जी। बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं रुपेश जी, आगे बढ़ा लेकिन शानदार चौका। बिजनेस लाइट चौका, जी हाँ 21 बिजनेस लाइट चौका। जी हाँ ये देखी गई हाफ सेंचुरी, फिर शॉट शानदार रुपेश जी के हाथ में बॉल, एक डॉट बॉल। अरे काफी विशाल स्कोर यहाँ खड़ा कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल, और एक बढ़िया कैच अमन अली द्वारा, अमन ने पकड़ा है। जी हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर उन्होंने संजीव को आउट किया है बल्कि 6 रन भी बचाए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एक पंच दो काज अमन अली ने कर दिया है आज की आज। और यहाँ पर एक स्पोर्टी स्कोर हुआ है 50 रन दो विकेट के नुकसान पर। अभी भी 3 बॉल बाकी हैं इस अंतिम ओवर की। ललित जी खेलते हुए दौड़ लगा के एक रन पूरा किया, स्ट्राइक दी हृदय शेट्टी को। आखिरी दो गेंदे 51 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स। रूपेश की अगली बॉल हृदय के लिए, और शॉट करना चाहते थे, दौड़ लगा के एक रन पूरा किया। अंतिम बॉल रूपेश जी की इस इनिंग्स की आखिरी बॉल, आगे बढ़ा और सिंगल के साथ। जी हाँ एक रन, 53 रन एट द लॉस ऑफ टू विकेट्स, यानी कि टारगेट रहा 54 रन का। बहुत ही शानदार मेमथ टास्क, काफी विशाल स्कोर खड़ा कर दिया यहां पर बॉम्बर्स ने।
बॉम्बर्स ने नहीं, जीएम स्टालिन ने बॉम्बर्स तो, अच्छा सॉरी, अब बॉम्बर्स को बमबारी करनी पड़ेगी छक्का चौकों की। अच्छा एक आधी है, तीन चार ही निकाल देता हूँ भाई एक साथ, मत दे ज्यादा, नहीं है नया बॉल निकाल के दिया जाए। जिस तरह की बैटिंग अभी जीएम स्टालिन ने की, उसी तरह की बॉलिंग की उनको जीतने के लिए आवश्यकता होगी, क्योंकि जो सामने टीम है वो भी बहुत शानदार है। किया था इनके ओपनर्स संजीव और ले आए क्या तुम सिद्धार्थ ने, और बखूबी यहाँ पर हमें वो टोटल पे दिखता हुआ। जी हाँ, बैटिंग के लिए तैयार अमन अली एंड वाजिद, वाजिद कैप्टन फ्रॉम बैलिस्टिक बॉम्बर्स, चेज करेंगे 54 रन्स। जी हाँ 54 रन्स का टारगेट है। धुआंधार बल्लेबाजी और भाई ओपनिंग करते हुए काफी विशाल लक्ष्य उनके सामने। बिल्कुल सही कहा, ये लक्ष्य आसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की बैटिंग के लिए जाने जाते हैं कुछ भी हो सकता है। अर्नव ये पानी पहुंचा देना उधर, उधर से दे एक और दे, बताओ ये लो भाई बाहर रख लो, अरे रख लो और दो उनको पानी। माइक ऑन किया गया, ललित भाई तैयार बॉलिंग करने के लिए। सामने उनको फेस करेंगे अमन अली, टैप करके हिट किया, क्रैम किया मगर शानदार तरीके से उसको टैप करते हुए अमन। और ये काफी फील्डर्स के बीच में मिसकम्युनिकेशन मगर कोई नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर। बिल्कुल सही, अभी तक सिर्फ दो रन है स्कोरबोर्ड पर। और ये अगली बॉल और ये रन आउट का चांस मिस होते हुए। जी हाँ बिल्कुल, अगर हाथ में बॉल होती तो ये अमन को बाहर जाना पड़ता। आगे बढ़ते हुए वाजिद, अंपायर्स का कॉल रहेगा, ठीक है आपका अपील अच्छा है बट ये नीचे लगा, अंपायर का इशारा नॉट आउट। बहुत ही शानदार बॉलिंग, और ये रनों की सख्त जरूरत और ये बैट्समैन के इंटेंट से मालूम पड़ रहा है हमें। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, एक ओवर के बाद 6 रन, ओवर हो गया, एक ओवर की समाप्ति पे 6 रन बिना किसी नुकसान के। अगला ओवर लेकर आए हैं संजीव, सामने उनका सामना करेंगे वाजिद भाई। बहुत ही शानदार फील्डिंग
सेट की गई उनके लिए स्पेशली। चार ओवर में 48। और ये सही कहा था मैंने, बहुत ही शानदार फील्डिंग। और ये संजीव काफी तंदुरुस्ती दिखाते हुए फील्ड पर। बिल्कुल सही कहा आपने। टैप करके हिट किया और दो रन के लिए अपने खाते में जुड़े। यही गेंद अगर थोड़ी सी और नीचे होती तो चार रन। बोला अच्छा दूसरा। और ये बहुत ही जरूरी चौका। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, एक शानदार बाउंड्री वाजिद द्वारा। स्कोर को लेकर गई 14 रन पे बिना किसी नुकसान के। दो बॉल अभी भी बाकी। बहुत ही शानदार बॉल, क्लीन बॉल, इंपॉर्टेंट विकेट मिलता हुआ यहां पर। विशाल लक्ष्य की यही खासियत होती है। जी हाँ प्रेशर बना देती है सामने पर। इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का गेम है और ये अनिश्चितताएं आपको यहां दिखाई देती हुई। वाजिद भाई जो कि सुपर स्ट्राइकर हैं, बहुत ही हल्के में आउट, हर चीज में कंट्रीब्यूट करते हुए। बिल्कुल सही कहा। दो रन फिर से बटोरे। नए प्लेयर है हमारे मयंक और स्कोर पहुंचा है 16 रन एक विकेट के नुकसान पर दो ओवर की समाप्ति पे। बहुत ही शानदार बॉलिंग अभी तक। अमान अली स्ट्राइक पर बॉलिंग के लिए नए बॉलर आए हैं ध्रुव। 16 रन कितनी बार बहुत ही शानदार शॉट अमान अली का देखे गया। 24 बिजनेस अलाइट चौका। जी हाँ ये है 21 बिजनेस अलाइट चौका। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप होता हुआ। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, देखना पड़ेगा ये कितना भारी पड़ सकता है। कहाँ कौन कैच करने वाला है। फुल टॉस गेंद पर संजीव ने फिर 3 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 3 रन बचाए। हालांकि थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ था लेकिन फिर भी यहां दोनों ही टीम के रनिंग बिटवीन द विकेट्स में साफ अंतर दिखता हुआ। और ये बॉलर के हाथ से लगते हुए छक्का। जी हां 21 बिजनेस अलाइट सिक्सर। और इसी के साथ रीड करता है 27 एक विकेट के नुकसान पर। दो गेंदे शेष है इस ओवर। जी हां 14 बॉलों पे 27 रन की आवश्यकता है। जी हाँ बहुत शानदार बॉलिंग एंड उसके साथ बहुत शानदार फील्डिंग भी ध्रुव की। दो रन का इशारा अंपायर का। दो रन बाहर से प्लीज मत बोलिए, लेट देम डिसाइड फ्रॉम इनसाइड। स्कोर हुआ 29 रन्स एक विकेट के नुकसान पर आफ्टर 3 ओवर्स 12 ओवर में दो ओवर में 25 रनों की दरकार। अभी काफी दिलचस्प मोड़ पर आता हुआ यह मैच। रन रेट काफी ऊपर है मगर क्रीज पर भी अभी अमान है। जी हाँ
चौथा ओवर सिद्धार्थ का, उनका सामना करेंगे अमान अली। और ये 24-21 बिजनेस लाइट चौका। जी हाँ, इस चौके के साथ स्कोर पहुंचाते हैं 30 रन। एक चौके की बहुत दरकार थी, 11 गेंदों में 21 रनों की दरकार। फुल टॉस, मगर बहुत ही शानदार तरीके से ध्रुव ने उसको पकड़ा। जी हाँ, फील्डिंग मानना पड़ेगा ध्रुव की इस फील्डिंग को। 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। टैप करके हिट किया, इस बीच एक रन बटोरा और स्ट्राइक चेंज की। स्ट्राइक पर पहुंचे मयंक। 9 गेंदों में अब दरकार है 20 रनों की। बहुत ही शानदार बॉल, 9 बॉल लेकिन का 9 बॉल का इशारा फ्री हिट आते हुए। रिक्वायर्ड रेट को कम करने का ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, और बिल्कुल उस अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा भरपूर फायदा उठाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, भरपूर फायदा उठाते हुए स्कोर को पहुंचाया 39 रन्स, एक विकेट के नुकसान पर। 8 बॉलों पे 15 रन की आवश्यकता। ऊपर से लग के आई है इसलिए इसमें 2 रन डिक्लेयर हुए। 2D 41 रन, एक बॉल अभी भी बाकी। 7 गेंदे शेष और 13 रनों की दरकार। 41-13, बहुत शानदार, एक रन डिक्लेयर हुआ, लग के गया इस वजह से। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, अंपायर को बोलने दीजिए। एक रन अंपायर ने कहा, एक रन। जी आखिरी ओवर में 12 रनों की दरकार है, अभी भी यहां पर किसी का भी गेम हो सकता है ये। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, अभी भी सामने अमान अली हैं, द मास्टर ब्लास्टर, बहुत शानदार बैटिंग करते हैं और उनका साथ दे रहे हैं मयंक। अंपायर रेस्ट करते हुए नेट में। जी हाँ, 6 बॉलों पे 12 रन की आवश्यकता। आ गई बॉल, आ गई अंदर आ गई। और ये क्रूशियल ओवर करने के लिए आते हुए बाज। जी हाँ, बिल्कुल डिसाइसिव, और ये डिसाइसिव ओवर है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और डिसाइसिव ओवर को करने के लिए सामने आए हैं अब्बास और उनका सामना करेंगे अमान अली। शानदार धार शुरुआत होते हुए इस ओवर की। 21 बिजनेस लाइट चौका। पांच बॉलों में अभी भी 8 रन की आवश्यकता। फ्लाइट अगेन और छक्का। नोबल दिया कि नहीं दिया, छक्का तो दिया। और यहां पर स्कोर्स लेवल करते हुए अमन। जी हाँ, स्कोर्स लेवल हो चुके हैं, अपनी प्राइस को यहां पर ऑक्शन की जस्टिफाई करते हुए अमन अली। जी बिल्कुल सही कहा आपने, 3 बॉलों पर सिर्फ 1 रन की आवश्यकता और सामने है मयंक। बाज की अगली बॉल मयंक के लिए। इसी बीच अमान अली स्ट्राइक पर पहुंचे और मयंक नॉन स्ट्राइकर एंड पर नहीं पहुंच पाए थे, इस वजह से एक विकेट गंवा बैठे। 3 बॉल में एक, अभी भी 2 बॉलों पे 2 बॉल शेष और 1 रन की दरकार, सिर्फ 1 रन की दरकार है। सुजीत थ्रो, सुजीत ने
और बहुत ही स्मार्ट क्रिकेट खेलते हुए अमन यहाँ पर।